वेलकम बैक। ब्रेक के पहले बात कर रहे थे कि वो कौन सी एक्सरसाइज है जो मॉनसून में करके आप रख सकते हैं खुद को फिट, और अब वक्त है आपको सीधे एक्सरसाइज दिखाने का कि घर में कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। हमारे फिटनेस एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए जितेंद्र जी, अब वो टाइम है जब दर्शकों को ये बताया जाए कि घर पर वो कैसे कर सकते हैं एक्सरसाइज। उसके लिए नहीं, उसके लिए मैं आपको बहुत बेटर एक डेमो दे सकता हूँ वर्कआउट का, आप घर पे कैसे परफॉर्म कर सकते हो और बेटर मूवमेंट उसकी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे फ्रेंड है एक आपको वर्कआउट के टेक्निक सिखाने के लिए, आप प्लीज़ फॉलो अप कर सकते हैं एक्सरसाइजेस। आपको पहले पैर अपना सीधे ज़मीन पर लेटना है, पैर को फ्लैट रखना है, अपने टोस फ्लैट होने चाहिए आपके, आर्म स्ट्रेट, और सीधा लेटने के बाद थोड़ा ऊपर उठना है। आपको प्रेशर सारा अपने स्टमक पर फील करना है, ये एक बहुत अच्छे से जाए आपके स्टमिक को कम करने के लिए। आप 10 टू 15 रेप्स काउंट कर सकते हैं। आपको तब जब हर्ट फील होता है ज़्यादा, यहाँ पे काफ़ी पेन फील हो रहा होता है, आप उसमें बीच में ब्रेक ले सकते हैं एक मिनट का, फिर उसके बाद से परफॉर्म कर सकते हैं 15 के 3 राउंड्स या 4 राउंड्स कंप्लीट कर सकते हैं आप अपनी फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग। ये आप फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। सेकेंड, आर्म्स को अपने हिप्स के पास रखिए, और लेग फोल्ड एक एक्सरसाइज होती है जो कि ये भी आपके लोअर स्टमक के लिए यूज़ होती है मैक्सिमम। एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप लेग फोल्ड करते हैं अपने स्टमक पे, आपको ब्रीद आउट करना है, सांस बाहर छोड़ना है। जब भी आप लेग्स अपने ऊपर लेके आ रहे हो स्टमक पे, आपको सांस बाहर छोड़ना है, लेग स्ट्रेट करते हो, ब्रीद इन करना है। एक और एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हो, उसको लेग रेजेस बोलते हैं, लेग्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, सेम सीक्वेंस। आपको ब्रीदिंग पैटर्न वही रखना है, लेग रेज करते हो तो ब्रीद आउट करना है, सांस छोड़ना है, और जब लेग नीचे लेकर आ रहे हो आप तो ब्रीद इन करना है। ओके, आपकी ये तीन एक्सरसाइज जो हैं आपके टमी कम करने के लिए हैं। एक फोर्थ एक्सरसाइज हम लोग फॉलोअप कर सकते हैं आपको साइड टोर्सो को कम करने के लिए और हिप्स को कम करने के लिए। आपको साइड वेज लेटना होता है फ्लोर पर, एक आर्म्स आप अपने हेड पर रेस्ट कर सकते हैं, और लेग्स अप और डाउन करना है। आपके टोर्सो और साइड ओब्लिक्स, टोर्सो एंड आपके हिप्स जॉइंट्स यूज़ होते हैं, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है इस एक्सरसाइज से। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है जिम में, आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो। कुछ फंक्शनल एक्सरसाइज आप कर सकते हो जिसमें आपको खड़े होकर घर पे कर सकते हो, जस्ट स्टैंड स्ट्रेट, आर्म्स अप एंड जस्ट यू हैव टू रेज योर लेग्स अप साइमल्टेनियसली अप एंड डाउन। एक और एक्सरसाइज कर सकते हो आप, बहुत इजी एक्सरसाइजेस हैं आप जो घर में परफॉर्म कर रहे हो, जस्ट साइड टू साइड बेंडिंग। आपके साइड फ्लैप्स होते हैं, आप उनको कम कर सकते हो घर पे, जस्ट साइड मूवमेंट से, जस्ट ब्रीद आउट जब आप ऊपर उठते हो, नीचे आ रहे हो इनहेल करना है, दैट्स इट। आप काउंट कीजिए 15 दोनों तरफ, अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं 20 कर सकते हैं, 25-30 रैप तक कर सकते हैं तो बेटर आपके लिए। आपका वर्कआउट एक घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए अगर आप होम एक्सरसाइज भी करते हैं। इस बात का खास ख्याल रखना है कि कुछ से पहले कुछ भी ज़्यादा हैवी खाया ना हुआ हो आपने, और बेटर ये कि आप जितने जल्दी सुबह वर्कआउट कर पाओ, आपका हार्मोन लेवल ज़्यादा सेक्रेट होता है उस वक्त, आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको बहुत हेल्प करने वाली चीज़ है। तो आपको अभी डेमो दिखाया जितेंद्र जी ने घर पे करने वाली एक्सरसाइज का, ताकि मॉनसून की वजह से अगर आप घर के बाहर ना निकल पाए तो घर पे ही खुद को कैसे रखें फिट। जितेंद्र जी, ये एक्सरसाइज की बात हुई, हमारे दर्शक ज़रूर इसे घर पे करेंगे, लेकिन क्या कुछ और इसके अलावा टिप्स हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? सबसे मेन बात यह है कि आपने, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, कि आपको एक घंटा पहले कम से कम कुछ नहीं हैवी खाया होना होता है। अगर ज़्यादा हैवी आप खाते हो तो आप वोमिटिंग फील कर सकते हो, आपको चक्कर आ सकते हैं, और जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही हजार्डस हो सकता है, आपको कॉल कर सकते हैं। कई बार ये देखने में आता है कि घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, सुबह उठे, ब्रश किया, जिन कपड़ों में है, अगर नाइट सूट पहना हुआ है या कोई लेडी है उन्होंने सलवार कुर्ता पहना हुआ है, तो उसी में एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम घर पे हैं, हम जिम नहीं जा रहे, तो कपड़ों का कितना ध्यान रखना होता है? देखो, एक स्पोर्ट्स आउटफिट बहुत मेजर रोल होता है आपका वर्कआउट करते हुए। आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स है, आपके जॉइंट्स है, प्रॉपर मोमेंटम में होने चाहिए। आप नाइट सूट में हो, या आपने डेनिम डाली हुई है, या आप किसी डायरेक्ट ऑफिस से जिम जा रहे हो, या घर पे आ रहे हो डायरेक्ट ऑफिस से, या आपने शर्ट और ट्राउज़र डाली हुई है, आप उसमें वर्कआउट नहीं कर सकते हो।
उसमें आपकी मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जिसमें आपको इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें बेटर ये रहता है कि आप प्रॉपर आउटफिट, स्पोर्ट्स आउटफिट पहनें, जिसमें कि आप लूज टी शर्ट्स एंड सम लूज ट्राउज ट्रैक पैंट्स एंड सम स्पोर्ट्स शू आप पहन सकते हो, साथ में एक टॉवल कैरी कर सकते हो। आपको स्वेट्स आते हैं, आपको पसीने से आपको आपके आर्म्स पे वेट हो जाते हैं, उससे आप स्लिपरी फील कर सकते हो, आपको वेट्स आपके हाथ से छूट सकता है, चोट लग सकती है आपको। अगर आप जिम भी जा रहे हो तो आप अपना एक एक्सेसरीज बैग कैरी कर सकते हो, जिसमें आपके हैंड ग्लव्स, आपकी वाटर बॉटल, आपके कुछ खाने का सामान जैसे कि लाइट फूड्स कोई भी कैरी कर सकते हो आप, या वे प्रोटीन कैरी कर सकते हो। आपको कभी भी वर्कआउट करने के बीच में या वर्कआउट के बाद ही भी चलती इन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, तो उसको ना भूलें, क्योंकि आपको एक एक्सरसाइज एरिया या जिम एरिया एक ऐसा इंजरी प्रोन एरिया है जहाँ आपको जितना भी आप सेफ फील कर सकते हो उतना ज़्यादा बेटर सेफ फील कराना है आपको, इंजरी फ्री रहना है। लूज कपड़ों की आपने अभी बात की कि आप जो स्पोर्ट्स आउटफिट लेते हैं वो थोड़ा लूज होता है, तो वो आपके लिए कम्फर्ट फील करेंगे उसमें, तो क्या इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं कि कोई भी ऐसा लूज कपड़ा जिसमें आप कम्फर्ट फील कर रहे हैं आप उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं? कोई भी इन द सेंस मैम, देखो अभी आप कोई बहुत लूज डेनिम पहन के वर्कआउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो कपड़ा जो स्ट्रेचेबल नहीं होता है। आपको स्ट्रेचेबल कपड़े चाहिए होते हैं जो आपके किसी भी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट ना करें, आपके किसी भी जॉइंट पे प्रेशर ना आए वो मूवमेंट करते हुए, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको पता नहीं होता किस मूवमेंट में आपने वर्कआउट करना है, कितना ऊपर नीचे आपको लेग्स रेज करने हैं अपने, या क्या वेट लिफ्ट करना है। अगर आपको हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो आप, या कोई भी स्टमक की या कोई भी ऐसी फंक्शनल एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें आपको इंजरीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। ना सिर्फ आपकी हेल्थ, आपकी डाइट, बल्कि इसके अलावा भी वो छोटी छोटी चीज़ें जो एक्सरसाइज के दौरान आपको जिनका रखना चाहिए ख्याल, उन सब का ख्याल हम यहाँ पर रख रहे हैं। वक्त है एक ब्रेक का, लौटेंगे उसके बाद भी हमारी ये एक्सपर्ट फिटनेस क्लास जारी रहेगी।